गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, SGM पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास थर्ड, सब्जेक्ट SST, चैप्टर थर्ड, मैप्स एंड ग्लोब्स, हार्ड वर्ड, रिसेम्बल, ग्लो, रोटेट, इक्वेटर, ग्रो, कॉन्टिनेंट्स, स्प्लिट, पैसिफिक, सरफेस। मैप्स एंड ग्लोब, हम मैप्स और ग्लोब के बारे में, अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अवर अर्थ रिसेम्बल्स इज वेरी ह्यूज बॉल, जो हमारी पृथ्वी है वो एक बड़ी बॉल की तरह है। इट इज़ सो ह्यूज दैट वी कैन ओनली सी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट एट वन टाइम। और ये बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, एक ही समय पे इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ही देख सकते हैं। सो हाउ डू वी स्टडी इट, हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वी स्टडी द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब एंड मैप्स, हम इस किसकी सहायता से, ग्लोब और मैप्स की सहायता से पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी की तरह ही एक तरह से पृथ्वी की तरह ही उसका छोटा सूक्ष्म रूप होता है। इट शोज अस होल अर्थ, जो हमें क्या दिखाता है, पूरी पृथ्वी को दिखाता है। वी कैन रोटेट इट टू सी डिफरेंट प्लेस, जैसे ही हम उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं इसको, तो हमें क्या कहता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस को दिखाता है। बट वी कैन नॉट सी ऑल प्लेस इन द डिटेल ऑन ग्लोब, और क्या करते हैं, जो ग्लोब होता है वो सभी प्लेसेस को डिटेल में नहीं दे पाता। ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर अ लाइन रन्स हॉरिजॉन्टली, ग्लोब पर जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर। आपने देखा होगा, ग्लोब कभी देखोगे तो उस पर एक हॉरिजॉन्टली लाइन होगी, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टली लाइन इमेजिनरी होती है, मतलब होती नहीं है पृथ्वी पर, इमेजिनरी लाइन का मतलब बस दिखती है। देखो ये दिख रही है रेड कलर की, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। ये मिडिल से होके जाती है हॉरिजॉन्टली, इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, ये क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। टू रीड द अर्थ इन डिटेल, अब हम क्या अर्थ को डिटेल में पढ़ेंगे, वी हैव ड्राइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ, हमें क्या करना है, पृथ्वी के एक पार्ट को ड्रॉ करना है, और द होल ऑफ इट, सच ड्राइंग ऑल कॉल्ड मैप्स, और इसे क्या बोलते हैं, मैप्स कहते हैं। अ मैप कैन बी बिग और स्मॉल, एक मैप बड़ा और छोटा दोनों हो सकते हैं। वी कैन हैंग अ बिग मैप ऑन ए वॉल, हम कभी कभी देखते होंगे कि जो मैप है उसको कहाँ, अपने वॉल पे भी रखते हैं। वी कॉल दिस अ वॉल मैप, और उसको हम क्या कहते हैं, वॉल मैप कहते हैं। एन एटलस इज बुक ऑफ मैप्स, जो एटलस होता है वो मैप्स की बुक होती है। अ मैप शोज डिफरेंट थिंग्स अबाउट अवर अर्थ, और जो मैप्स होता है वो डिफरेंट वस्तुओं को दिखाता है। अ फिजिकल मैप शो माउंटेन, प्लेन्स, डिजर्ट, लेक, ओशियन एंड रिवर्स, जो फिजिकल मैप होता है वो हमारे माउंटेन्स को, प्लेन्स को, डिजर्ट को, लेक को, ओशियन को एंड रिवर्स को दिखाता। अ पॉलिटिकल मैप शोज कंट्रीज, सिटीज़, टाउन एंड ब्लेजेस, और जो पॉलिटिकल मैप होता है वो हमारी कंट्रीज़ को, सिटीज़, टाउन एंड ब्लेज को दिखाता है। अदर मैप शो डिफरेंट थीम, जो बहुत सारे मैप होते हैं हमें डिफरेंट थीम दिखाते हैं, सच एज प्लेस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेनफॉल, जैसे रेनफॉल हो गया, प्लेस हो गया, वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड सो ऑन, और बहुत सारे जैसे प्लांट्स ग्रो एंड सो ऑन को दिखाता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑन ए मैप, अब हम मैप की डायरेक्शन को देखेंगे। देयर आर फोर मेन डायरेक्शन, क्या होती हैं, फोर मेन डायरेक्शन होती हैं। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये फोर डायरेक्शन हो गई। वी हैव ए फिक्स्ड पैटर्न टू लोकेट द डायरेक्शन ऑन ए मैप, और जो हमारा मैप है वो फिक्स पैटर्न में लोकेट है। द टॉप पार्ट ऑफ मैप इज नॉर्थ, और जो मैप का टॉप पार्ट होता है उसे नॉर्थ कहते हैं। द बॉटम इज साउथ, और जो बॉटम होता है उसे साउथ कहते हैं। टू योर राइट इज ईस्ट, और जो उसका राइट पार्ट होता है उसको ईस्ट बोलते हैं। टू योर लेफ्ट इज वेस्ट, और जो उसका लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसे वेस्ट होता है। मोस्ट मैप्स हैव द नॉर्थ डायरेक्शन मार्क, बहुत सारे मैप्स होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन मार्क होते हैं। दिस डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन ए मैप, और उनकी जो डायरेक्शन होती हैं वो हमें क्या करती हैं, बहुत मदद करती हैं प्लेस को लोकेट करने में। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टिनेंट एंड ओशियन,
मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, बहुत समय पहले, मिलियन वर्ष पहले, देयर आर ओनली ह्यूज लैंड मास ऑन द अर्थ, हमारा पृथ्वी एक बड़ा लैंड मास था। इट वाज सराउंड बाय वाटर, जो वाटर से घिरा हुआ था। द ह्यूज लैंड मास देन स्प्लिट इनटू द लार्ज पीसेस, और जो हमारा बड़ा सा भाग है वो टूट गया छोटे लार्ज बड़े बड़े पीसों में। दीज पीसेस मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, ये पीस एक दूसरे से अलग हो गए। दीज पीसेस ऑफ लैंड आर कॉन्टिनेंट, पृथ्वी के यह पीस कॉन्टिनेंट होते हैं। सो आ कॉन्टिनेंट इज वेरी लार्ज लैंड मास, और एक कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है। देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट इन ऑल, और इसके जो सेवन भाग में, सेवन कॉन्टिनेंट में बढ़ गया है। देयर आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एशिया कौन कौन से कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया है? दे आर, ये सेवन कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, सिक्स यूरोप, सॉरी फिफ्थ यूरोप, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, सेवन अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया वो स्मॉल कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू द स्मॉल पार्ट कॉल्ड कंट्रीज, और कॉन्टिनेंट है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया जिनको कंट्रीज कहते हैं। इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ कंट्री ऑफ एशिया, जो भारत है वो एशिया का एक भाग है। ओशियन आर ह्यूज वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारा समुद्र है वो क्या है, बड़ा सा एक पानी वाला भाग है जो पृथ्वी के चारों तरफ, मतलब पृथ्वी के एरिया में फैला हुआ है। दीज आर फोर ओशियंस, हमारे फोर ओशियंस हैं। दे आर द पैसिफिक ओशियंस, पहला पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ है आर्कटिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन, ठीक है। जो पैसिफिक ओशियन है वो क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और जो आर्कटिक ओशियन है वो स्मॉलेस्ट ओशियन है, ठीक है। द इंडियन ओशियन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अवर कंट्री, जो इंडियन ओशियन है वो हमारे देश के नाम पर पड़ा है। देयर आर स्मॉल वाटर बॉडीज टू फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लाइक सीज, रिवर, लेक, वेज, और बहुत सारा पार्ट, बहुत छोटे छोटे पार्ट में ये वाटर से डिवाइड हो गया है, जैसे सीज है, रिवर है, ठीक है, लेक है, वेज गल्फ है, इत्यादि में। थैंक यू।